मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजने वाले हैं 8। सॉरी, मेरा हे फीवर शुरू हो गया। टाइम लगता है उसको जाने में सुबह सुबह। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मूवर्स एंड पैकर्स आए एंड देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग द स्टफ टू आवर होम। हस्बैंड इज ऑन द अदर साइड, सो ही विल रिसीव इट एट द अदर एंड। सो लेट्स सी, कम आते हैं वो लोग। सुबह सुबह गार्डन में थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी देख लो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इजंट इट। तो अभी धूप हमारी साइड इतनी नहीं आई है तो वी कैन डू सम योगा, सम एक्सरसाइज। वहाँ पर मेरा योगा मैट भी रखा है और वहीं पर स्विंग भी है, हेलीकॉप्टर चेयर, बट दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। हम लोगों ने गैस सिलेंडर वहीं रखे हुए हैं। जब सिस्टम कराया था तब तक पंप गैस नहीं आती थी, तो इट्स दैट काइंड ऑफ जुगाड़। ये मेरी सिस्टर का है बारबेक्यू, जो कभी लेके नहीं जाती है, वो कहती है मम्मी यहीं रहने दो। और ये काफ़ी ओवरग्रोन वीड हुई हुई है, ये लंबा सा, काफ़ी सारे एलोवेरा को छांटने की ज़रूरत है, फैला पड़ा एकदम। कौन करेगा ये सब? आई लव ग्रीनरी बट इतनी मेहनत गार्डनिंग, ओ माई गॉश, लेट्स सी। तो गाइस, सुबह के 10 बज गए हैं, ये लोग अब आए हैं 2 घंटा लेट, और बस गाड़ी अंदर हमारी बाहर जा रही है, इनकी अंदर आ रही है ताकि ये सारा सामान इसमें कर लें। मम्मी इधर खड़ी है हमारी, हाय मम्मी। तो ये देखिए गाइस, सामान को रखने के लिए, मूव करने के लिए थोड़ा बहुत ले आते हैं ताकि ख़राब ना हो नीचे बेस रखने के लिए, कि जैसे हमारा टीवी रखा है उसका भी ख़राब ना हो नीचे से। तो ये ब्लैंकेट्स होते हैं पैडेड काफ़ी, तो ये दोनों बंदे मिलके काम करेंगे, एक्साइटिंग। जैसा कि चैनल का हमारे नाम है कि लेजी बगल्स, तो हम बहुत लेजी हैं, तो हमसे तो ये काम होना नहीं था। तो ये दोनों अपना मैनेज करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। और उधर मेरे भाई की बाइक पड़ी हुई है जो काफ़ी टाइम हो गया उसने चलाई नहीं, और गाड़ी भी रखी हुई है इधर जो उसने बेचनी है, तो उसको दूसरी पसंद आई तो उसने दूसरी ले ली। तो ये लोग खुद टीवी रखेंगे, खुद मैनेज करेंगे। तो गाइस, 10:24 हुए, इन्होंने सारा एम्प्टी करके लोड कर दिया वैन के अंदर। मेरी भी बाइसिकल भी डाल दी अंदर से, मैं 2-4 फर्नीचर थे वो भी डाल दी। तो ये लोग जो है अपनी इनवॉइस जो है ऑनलाइन भेज देंगे, तो आई डोंट हैव टू पे देम एनी कैश और एनीथिंग, एंड दैट्स ऑल सॉर्टेड। सो हस्बैंड हैज गॉन देयर, तो वो अनपैकिंग और उतरवाएगा। बस अब ये लोग जा रहे हैं, हम अब अपना रेडी होंगे ताकि मैं अपना यहाँ से सामान लूँ और कैचअप करूँ। यहाँ पर से गैराज डोर बंद, सो इट्स ऑटोमेटिक, वो नीचे आ जाएगा एंड दैट्स ऑल गॉन। तो गाइस, हाय गाइस, तो हम यहाँ पर अभी चाय का आनंद ले रहे हैं। ये दामाद और ये सास सुम्मा दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे हैं चाय के चुसेले। बज रहे हैं दोपहर के 4:15 और अब मन कर रहा है फिर से मेरे हस्बैंड का थोड़ी सी शॉपिंग करने का। नॉर्मली विमेन होती हैं जो शॉपिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ मेरे हस्बैंड है जिसे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो गुड कॉम्प्रोमाइज इजंट इट। मैं कहती हूँ कि ठीक है तुम शॉपिंग के सारा बजा ले लो, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और जो भी ट्रैवलिंग के स्पॉट्स होंगे या जो भी करना का वो मेरी जिम्मेदारी फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, क्या एक्टिविटीज करनी क्या नहीं वो मेरी जिम्मेदारी। इजंट इट राइट हस्बैंड? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वाइफ इज ऑलवेज राइट, यू नो। तो अभी हम जा रहे हैं के मार्ट और हमने थोड़ा बहुत अपना घर सेटअप किया है वहाँ पे, बाय गॉड वाट लग गई है। तो कुछ चीज़ें माइंड में हैं कि हाँ ऐसा हमें सेटअप करना है या चाहिए, तो वी विल गिव इट अ गो एट वेयर के मार्ट और लेट्स सी कि वहाँ हमें वो मिलता है या नहीं मिलती चीज़ें। सिमिलरली फॉर द काउच, हमें कहीं पे भी ढंग का हमारी पसंद के हिसाब से काउच नहीं मिला, तो अब हम सेकेंड हैंड देखेंगे एंड देन विल सी कि
वहाँ से कुछ अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। तो गाइस अब हम पार्किंग की वेट कर रहे हैं। के मार्ट वो सामने ग्रे वाली बिल्डिंग है देयर, और ये काउंटडाउन है जहाँ पर हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। बट दिस इज टू फार फ्रॉम माय होम, तो हम लोग इस वाले में नहीं जाते बट डिफरेंट वाले में जाते हैं। और अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। लगता नहीं है कि लोगों को शॉपिंग करके मन भरा है क्रिसमस की। रोज यहाँ इतनी भीड़ रहती है, नहीं तो लोग मोस्टली यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं क्रिसमस जैसे पहले भी गिफ्ट्स खरीदने या जो भी चीजें खरीदनी है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है रोज ही लोगों को शॉपिंग करनी इतनी सारी। हम तो कभी कभी आते, कोई नहीं इनका भी भला हो, कोरोना ने बहुत लूटा है अच्छे से। तो हम लोग जो लेने गए थे वो तो हमें वहां पे मिला नहीं। वी वॉन्टेड सम स्टैकेबल स्टफ फॉर द किचन और वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। बट We bought then vacuum cleaner slash steam cleaner mop. तो कुछ ना कुछ तो खरीदना था ना अब आए अंदर। तो गाइस हम लोग जब से वापस आए हमने कार नहीं धुलवाई और बहुत डर्टी हो रखी है, वो हाईवे पे चल रहे हैं तो हम ये ऑटोमेटिक उसमें जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे नंबर एंट्री करना है एज पर द कोड गिवन बाय द कस्टमर सर्विस। तो वो एंटर करा और वही प्रोग्राम लॉड आउट हो जाएगा। चार प्रोग्राम है आपको जैसा लेना, से वॉश करानी है, पॉलिश करानी है, डबल वॉश एंड पॉलिश करानी है या और ड्राई कराना है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं हाउ टू डू द सुपर वॉश एंड यू डू दैट। उसके बाद ग्रीन एरो बना हुआ है, ऑल वी हैव टू डू इज मूव इन देयर एंड पार्क आवर कार स्ट्रेट। और अपने जितने भी जैसे ये साइड मिरर ओपन था वो हमें क्लोज करना है, और अगर आपके पास एंटीना है वो ओपन है तो वो डाउन करना है। एंड देन जस्ट क्लोज योर थिंग एंड वेट एंड वॉच, लेट द ऑटोमेटिक वेपन डू इट्स मैजिक। अभी एक गाड़ी का मुआयना कर रहा है कि भाई कितनी लंबी गाड़ी है, कैसे करना है। तो अब ये पानी डल रहा है ऊपर से बिफोर द सोप इज अप्लाइड। अच्छी अच्छी कलर की मूड लाइट्स चलती रहती है, पर्पल ग्रीन पिंक, तो टाइम पास अच्छा हो जाता है। अब इन्होंने साथ के साथ देखो सोप डिस्पेंस करना शुरू कर दिया, तभी ये थोड़ा सा फॉगी आने लगा। लुक एट दैट, नहीं सही, एकदम फॉगी फॉगी हो गया है सोप डालने के बाद। देखिए अब वो ये वॉश करने के लिए आ गए। अब वो जो जैसे इंडिया में लोग करते हैं ना, वो बंदा करता है वॉश हाथों से, वो इससे होते हैं। काफी नॉइजी है।
अब गाड़ी वॉश हो गई है, अब ये ड्राई होगी, पॉलिश भी हो चुकी है. सो दिस इज हाउ द ड्रायर इज देयर. दो ड्रायर्स चल रहे हैं. बस अब अपनी ख़त्म हो गई है पॉलिशिंग और लाइट्स आर बीपिंग कि भाई हम आगे जा सकते हैं. सो थैंक यू बीपी हमारी कार धोने के लिए, नहीं तो हमारी कार ऐसी गंदी पड़ी रहती. तो गाइस हमने अनपैकिंग शुरू कर दिया. एज आई सेड किचन मैंने काफ़ी सेटअप कर दिया, लेकिन अभी भी ये लग रहा है कि बहुत बहुत बिखरा हुआ है. डोंट वरी, हो जाएगा. हिम्मत है मर्दा तो मर्द दे खुदा. Darling hubby enjoying a thandi thandi chilled beer. और बेटा मौज हो रही है, मजे आ रहे हैं. साथ में थोड़े से स्नैकिंग निकल के आ गए. ये मिल गया मुझे, मुझे बहुत पसंद आई है. क्रंची क्रंची से लगते हैं, सॉल्टी सॉल्टी से, नो स्पाइसी. गार्लिक मुरुक्कू. अभी हमारे रूम्स के अंदर भी बहुत सामान पड़ा हुआ है, बहुत सामान है. समझ नहीं आ रहा कहाँ से किसको खाली करें. ये सारा इलेक्ट्रिकल सामान है मेरे हस्बैंड का, अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटर, सारा उस हस्बैंड का है. इस वाले रूम में भी हस्बैंड का है थोड़ा थोड़ा, और वो गिटार है जो कभी बजता नहीं है. ये हमारा कैंपिंग का टेंट है, तो हम यही करेंगे कि कल यहाँ पर अपना वर्किंग फ्रॉम होम सेटअप करेंगे, और यहाँ पे भी अपना अभी लगेज रखा हुआ है, कपड़े वगैरह सब हैं. आई एम नॉट इन अ मूड एट ऑल इसको टच करने के, भी ये पड़ा रहे, धीरे धीरे हो जाएगा. और ये तो है ही अपना बेडरूम, कर रहे हैं जुगाड़ बेड की, और ये अपने गैराज में सामान जा रहा है. जो हमें अभी नहीं चाहिए एम्प्टी कार्टन्स हम यहीं रख रहे हैं. ये हमारी एक्सरसाइज बाइक है जिसको मैं बाहर सेट करूंगी डेक पे, थोड़ा डेक क्लीन करने के बाद. और ये मेरी बाइसाइकिल है, ये मैंने यहीं आके लिए, सेकेंड हैंड ही लिया, गियर वाली है, सेवन गियर्स आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. ये मैंने सेकेंड हैंड ली थी, मैंने कहा 15 साल हो गए मैंने साइकिल नहीं चलाई है, तो लेट्स गिव इट अ गो. ये हमारा बाहर का रूम है जो अंदर से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ यू नो वही चीज़ें रहेंगी जो हमारे काम की नहीं है, और कोई चोरी करके भी ले गया तो गम नहीं है. हाय गाइस, बस जितना कर सकते थे हमने कर दिया. अब हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, और डिनर वहीं करेंगे, देन हस्बैंड विल कम बैक एंड स्लीप हियर एंड आई विल स्लीप एट माय मम्स, क्योंकि अभी बेड नहीं आया है, पर यहाँ किसी को रुकना ज़रूरी है. तो यू नो मिलते हैं थोड़ी देर में. तो गाइस आज हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, हमारा लिटिल लिटिल डिनर हो गया है. गोलगप्पे बनाए थे मम्मी ने घर पे, बहुत बढ़िया गोलगप्पे बने थे. कुछ नहीं करना था, बस पानी बनाया है, चटनी बनाई है, बस ज़्यादा खास नहीं, बस बना दिया खा लिया. बिरसो आपका डिनर हो गया? नहीं, आपने अभी और खाना है? कितने बजे? 9:15 तो हो गए.